हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दी वैल्यू नॉलेज पे, जहाँ पे हम आपके लिए कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नॉलेज लेके आते हैं जो आपको आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करता है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, और वो है दुनिया में जितने भी ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बर्फ गिरती है, वहाँ पे आपको एक अलग सी शांति महसूस होगी। वहाँ का जो एरिया होता है वो बहुत साइलेंट होता है, और ऐसा क्यों होता है इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है, वो आज हम आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करेंगे। और अगर आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम या इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो हो सकता है क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, तो ये सारी जानकारी आप अच्छे से याद करके रखो। तो दोस्तों, हमारी जो आवाज़ होती है उसकी स्पीड होती है, यानी उसकी ट्रैवल करने की स्पीड होती है, वो काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करती है, जैसे एनवायरनमेंट पे। यानी अगर आप गर्मी के एरिया में जाते हो और वहाँ पे अगर आप आवाज़ लगाते हो तो आपकी जो आवाज़ की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल होगी। लेकिन अगर आप ठंडे एरिया में जाते हो जहाँ पे स्नो यानी बर्फ़ गिरती है, वहाँ पे आवाज़ की स्पीड जो है वो बहुत ही कम स्पीड से ट्रैवल होती है। इसकी वजह से वो एरिया थोड़ा साइलेंट होता है। इसके अलावा जितने भी वहाँ पे बर्फ होती है, जितने भी वहाँ पे स्नो गिरी होती है, वो जो है वो साउंड की जो वेवलेंथ होती है उसे एब्जॉर्ब करती है। इसकी वजह से भी वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा साइलेंट आप महसूस करेंगे। और ये एक और चीज़ ये भी है कि आप जितने भी देखोगे जहाँ पे भी बर्फ गिरती है, जितने भी एरियाज है वो पहाड़ी एरियाज होते हैं, वो एकदम ऐसे आइसोलेटेड होते हैं। वहाँ पे जो ट्रैवलिंग जो है वो बहुत कम होती है, बड़े बड़े वहाँ पे व्हीकल्स बहुत कम ट्रैवल होते हैं, तो उनका शोर शराबा भी वहाँ पे नहीं होता है, और उसकी वजह से भी ये एरियाज में आप बहुत ज़्यादा साइलेंट यानी शांति महसूस करोगे। और वहाँ पे अगर आप किसी को आवाज़ देते हो तो आपको थोड़ा सा ज़ोर से आवाज़ लगानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप धीमे से आवाज़ यानी धीमे से अगर किसी के साथ बात करते हो तो आपकी साउंड जो है वो इतनी अच्छे से वहाँ पे ट्रैवल नहीं होगी, तो आपको थोड़ा सा जोर से बोलना पड़ेगा अगर आप कंपेयर करोगे गर्मी वाली एरिया से। तो यही इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है कि जो साउंड होती है हमारी वो लो टेम्परेचर में यानी ठंडे टेम्परेचर में है, धीमे से साउंड करती है, और ये जो बर्फ है वो पूरी जो साउंड की वेवलेंथ है उसे एब्जॉर्ब कर लेती है। इसीलिए वहाँ पे आपको ज़्यादा शांति महसूस होगी, ज़्यादा आप वहाँ पे साइलेंट फील करोगे। इसलिए छुट्टियों में जब भी लोग परेशान होते हैं, थोड़ा हेक्टिक फील करते हैं, तो ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे बर्फ गिरती है, जो आइसोलेटेड है, ताकि उनको मन की शांति मिल सके। तो ये सारे रीजन आज हमने आपको एक्सप्लेन कर दिए, ये सारा नॉलेज आप अच्छे से याद करके रखो। इसके अलावा हमारे चैनल पे हमने आपके साथ बहुत सारा ऐसा वैल्यूबल नॉलेज शेयर किया है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके टेक्नोलॉजी से लेके हेल्थ तक और जीके से लेके करंट अफेयर्स तक बहुत सारी जानकारी देख सकते हो। तो दोस्तों, हमारे वीडियोस रेगुलरली देखते रहो, हमारे वीडियोस को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे आपको ऐसी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन घर बैठे मिलती रहेगी, और वो भी एक ही चैनल से। तो ये वीडियो में बस इतना ही था, जल्दी मिलते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, कुछ और इंटरेस्टिंग नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।